नेक्स्ट क्वेश्चन इट सीज अरेस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अलेंस इज अ टेन ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एट अ पॉइंट वायर इन द रेशियो थ्री इज टू टू इफ लेंथ ऑफ द रेस्टेंस वायर इज़ वन पॉइंट फाइव मीटर दैन लेंथ ऑफ वन ओम ऑफ द रेस्टेंस वायर इज और चार ऑप्शन अपने को दे रखे ना दो तो, तो स्टेप का सवाल है ये तो पहले तो मीटर ब्रिज कुछ इस तरह से अपना बना हुआ है कि आपने ऐसे लिया और इसमें ऐसे कनेक्ट किया है और यहाँ आपने सिंबॉलिक गैल्वानोमीटर लगाया ये आपकी लेंथ एल वन ये लेंथ एल टू ये आर और ये टेन ये अपने को स्नैरियो दे रखा है ना इस केस में आ, ये अपना बैलेंस सिस्टम है तो इस केस में हम ये आ, लिख सकते हैं कि आर डिवाइडेड बाय टेन विल बी इक्वल टू एल वन बाय एल टू और एल वन बाय एल टू का रेशो आ, जो है वो अपने को थ्री बाय टू दिया हुआ है सो दिस इज़ थ्री बाई टू विच एम्प्लाईज़ आर की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू थर्टी डिवाइडेड बाई टू दैट विल बी इक्वल टू फिफ्टीन ओम ना आपने को नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर जो है वो आपकी जो है वो है 1.5 मीटर तो अगर आप ये कह रहे हैं कि 15 ओम इज़ 1.5 मीटर हमें बताना है एक ओम की वायर की लेंथ में कितना 15 ओम इज़ 1.5 मीटर तो एक ओम की कितनी लेंथ होएगी सो दिस विल बी सिंपल 1.5 पॉइंट फाइव डिवाइड बाय इसे फिफ्टीन कर देंगे सो ये जीरो आ गया और जिस फॉर्मेट में आपके चार क्वेश्चन चार ऑप्शन दिए हुए हैं so, सो इसको हम लिख सकते हैं वन इंटू टेन टू द पावर माइनस वन मीटर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह है सकते हैं कि वन इंटू टेन टू द पावर माइनस वन मीटर वुड बी द राइट आंसर